चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का आता है बातचीत, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और कहानी जो है एकदम वंडरफुल है। जो कहानी है इसमें बातचीत एक आम आदमी पे आधारित है। जैसे बातचीत, किसी से बात करना, ठीक है, क्यों करना, किस लिए करना, बातचीत में किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करना, उसी चीज़ पे आधारित है। और इसी के बारे में क्या किए हैं लेखक ने, इस पात्र को पूर्ण रूपेण क्या कि प्रदर्शित किए हैं इस कहानी के माध्यम से, अपने बात को क्या कि प्रकट करना चाहे। तो चलिए जानते हैं हम लोग बातचीत। बातचीत आप लोग के चैप्टर का है। बातचीत जो है लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। वो कहानी जो है बातचीत बालकृष्ण भट्ट का है, वो लेखक थे। ठीक है, तो चलिए पहले लेखक का परिचय जानते हैं। वो लेखक कैसे बने, उनकी कठिनाई क्या थी, कैसे परिश्रम करके वो लेखक बने, उनके बारे में एक दो शब्द जानते हैं, तब उनके कहानी पे चलते हैं। उनकी कहानी क्या कहती है, ठीक है, उन कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। बातचीत जो है लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। वही क्या है, इस कहानी के लेखक हैं और कर्ता धर्ता हैं, जो भी हैं सब यही हैं बातचीत के। इनके द्वारा बहुत से कहानी लिखा गया, लेकिन महत्वपूर्ण कहानी माना जाता है बातचीत को, जो कि आप लोगों के चैप्टर में आता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। बातचीत, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, जन्म देखते हैं, इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, मतलब ये जो जन्म लिए थे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इनका जन्म हुआ था 18 जून 1844 को, यानी अपना देश गुलाम था उस टाइम। ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 को, यानी आज़ादी से पहले ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस भी याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद एक उत्तर प्रदेश में क्या आता है, जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, वो एक सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद, जो एक व्यापारी थे। ठीक है, यानी मतलब घर से ही कोई काम करते होंगे, या कोई काम करते होंगे, या पहले के टाइम में क्या होंगे, या थोड़ा सा छोटा सा रोज़गार होगा, या किसान होंगे, दो ही चीज़ हो सकता है। ठीक है, उनके पिता के बारे में मतलब जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इनकी शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से परीक्षा दी। सबसे पहले इन्होंने संस्कृत का शिक्षा अध्ययन किए। ठीक है, संस्कृत इनको बहुत अच्छा लगता था, संस्कृत में ज़्यादा रुचि रखते थे। ठीक है, और कब इन्होंने शिक्षा ली, 1867 में लिया, प्रयाग के मिशन स्कूल से भी परीक्षा भी दे दी। ठीक है, तो चलिए इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएँ हैं, यानी उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, कुछ उपन्यास इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उपन्यास और रचनाएं, निबंध, बहुत सारे कहानी भी लिखे, लेकिन कुछ ऐसे पात्र होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आदमी को क्या आते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे सपोज डेट ये देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, वो काम करता है, लेकिन उनके प्रति जो गुण जो होता है, जो आदमी को क्या करता है, अनुभव करता है, जो उनके बातों को आकर्षित करता है, ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यानी कह तो गए हैं बहुत चीज़, सपोज ले
के चलिए हमारे महात्मा गांधी, पूजनीय बापू, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन हो सकता है उनके द्वारा कुछ गलत भी हुआ होगा। ठीक है, गलत भी हुआ होगा, लेकिन हम ये मानते नहीं हैं। ठीक है, गलत हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो लोगों को क्या करते हैं, उनकी बातों को आकर्षण करता है, उनके राह पर चलने में लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, दिल में सुकून जो बोलते हैं वो होता है। तो उसी तरह ये है, इनके द्वारा भी कुछ उपन्यास लिखे गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास यानी रचना है, रहस्य कथा, एक रहस्य कथा है जो उपन्यास है। दूसरा है नूतन ब्रह्मधारी, ब्रह्मधारी, एक सुजान, गुप्त बेड़ी, हमारी घड़ी। इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया था, पहला नाटक लिखा गया था पद्माती, शिशुपाल, नल दयामती, सीता वनवास, बाल विवाह इत्यादि। ये सभी क्या थे, इनके नाटक थे। ऐसे जब आप लोग चैप्टर जब पढ़िएगा तो चैप्टर में बहुत सारे चीज़ का जिक्र किया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं हो सकता है इस सब के अलावा एग्ज़ाम में आपके चैप्टर से हो सकता है जो हम लिखे वो नहीं दिया हो, ठीक है, कुछ दूसरा पूछ ले, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। तो चलिए देखते हैं निबंध, इन्होंने निबंध 1000 के आसपास, ठीक है, और 100 से ऊपर इनका क्या माना गया, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण निबंध है। निबंध तो लिखे 1000 के प्लस, ठीक है, या आसपास या उन्हीं के अकॉर्डिंग रखे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनका था। 100 से ऊपर जो लिखे हैं वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे पाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, पूछा जाएगा कैसे कवि थे, आधुनिक काल के क्या थे, लेखक थे, ठीक है, और भारतेंदु युग के साहित्यकार भी थे। तो चलिए इनका सारांश देखते हैं यानी समरी बातचीत का, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हम छोटा सा समरी लिए हैं, आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा विशेष जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, सबसे पहले क्लास समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सारांश इनका यानी समरी बातचीत। शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार पाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत जो है वो लिखा गया है किनके द्वारा, पाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और किस प्रकार की यह है, यह एक निबंध है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे बातचीत किस प्रकार की है, क्या होगा, एक निबंध है, ठीक है, और किनके द्वारा लिखा गया, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। आगे चलिए लेखक कहते हैं, वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान माना है। कौन माना है, बाल कृष्ण भट्ट ने कहा कि वाक शक्ति ईश्वर का एक क्या है, वरदान है, ठीक है। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, अगर आपको बोलने की इजाज़त नहीं होती, अगर आप बोल नहीं पाते तो कैसा होता, ठीक है। इसी पे आधारित है इनकी कहानी बातचीत, जो हम ऊपर में समझा रहे थे। अगर आपको बोलने का इजाज़त नहीं होता, अगर सभी व्यक्ति क्या होते, गूंगे होते तो क्या होता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दर्शाना चाहते हैं। बोलने की जो शक्ति है वो ईश्वर का वरदान माने, कौन माने, बालकृष्ण भट्ट मांगे। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो जाने सृष्टि पृथ्वी का क्या हाल होता, सृष्टि यानी पृथ्वी का क्या हाल होता। अगर आपको बोलने का इजाज़त मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती यानी बोल नहीं पाता, तो जाने ये सृष्टि का क्या होता, ठीक है। तो चलिए आगे क्या कहते हैं, मनुष्य को बोलने की शक्ति नहीं होती, बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का भी मौका नहीं दिया जाता। यानी लेखक का कहना है कि अगर आपको बोलने की इजाज़त यानी बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर आप गूंगा होते तो आप अपनी किसी भी परेशानी, किसी भी बात को क्या कर सकते हैं, किसी के प्रति प्रकट नहीं कर सकते। अपना चाहे अपना कोई स्पीच यानी नाच नखरा यानी स्पीच,
ठीक है, नाज रखना यानी अपना स्पीच आप क्या कर सकते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य का साक्षरता होता है, यानी अगर आप बोलते हैं तो आपकी साक्षरता जो होती है वही क्या होती है, प्रकट होता है। ठीक है, आप बोल के ही ना अपनी साक्षरता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर आप गूंगा होते साक्षरता कैसे प्रदर्शित करते, ठीक है, बोल के ही आप क्या करते हैं, अपनी साक्षरता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सोचे अगर पृथ्वी पे पूरा गूंगा होता तो कैसे ये पृथ्वी चलता, कैसे ये काम होता आज की तुलना में, और उस टाइम का तुलना कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वही लेखक ने क्या किया, जाहिर किया, ठीक है, प्रकट किया। तो चलिए देखते हैं, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया। निबंध में एडिशन का भी मत है। ठीक है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया, बातचीत के निबंध में एडिशन का भी मत है। ठीक है, एडिशन यानी बोलने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या शैली होना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, उसी के बारे में क्या किए लेखक ने बताया। तो चलिए पहला देखते हैं, बातचीत कैसे करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही होती है, यानी जो भी बात होता है, जो भी बातचीत करते हैं हम लोग, दो व्यक्ति के बीच एक इम्पॉर्टेंट होता है। आम भाषा में आप लोग कह सकते हैं, अगर किसी कोई दो व्यक्ति है अगर बातचीत करता है तो क्या कहता है, हम सीक्रेट बात कर रहे हैं। आप लोग भी करते होंगे दो व्यक्ति में। ठीक है, अब चलिए लेखक कहना चाह रहे हैं, तीन आदमियों के बीच बातचीत में अंगूठी में नग के समान होता है, यानी तीन आदमियों के सामने जो बातचीत होता है यानी अंगूठी में नग के समान होता है। ठीक है, नग का होना बात बराबर है। ठीक है, यानी सपोर्ट डेट आप ये कह सकते हैं, अगर तीन व्यक्ति आता है तो क्या कहते हैं, नहीं चलो बात में दम नहीं हुआ, तीन व्यक्ति होने के कारण क्या हो गया, बात गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप देखिए चार व्यक्तियों के बीच, देखिए क्या कहते हैं लेखक, चार आदमियों के बीच बातचीत में केवल फॉर्मेलिटी और संदिग्धी होती है। ठीक है, यानी चार आदमियों के बीच एक फॉर्मेलिटी की तरह बातचीत होती है, हो सकता है वो एक मीटिंग का हो, चार व्यक्ति या पांच व्यक्ति या उससे अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन सभी के बीच क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी, एक इज्जत की तरह क्या होता है, बातचीत होता है। हाँ, लगता है कि बातचीत हो रहा है, कोई चीज़ का मीटिंग हो या किसी भी चीज़ का हो, ऐसे क्या होते हैं, चार से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होते हैं, वार्तालाप किया जाता है। चलिए और लेखक कहते हैं, दो बूढ़ों के बीच बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध में प्रदर्शित कर रहे हैं कि दो बूढ़ों के बीच जो होता है बातचीत, वो जमाने की शिकायत होती है। जब जो दो बुजुर्ग जब आपस में बैठते हैं तो वो एक दूसरे का क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं, यानी एक दूसरे का नहीं, मतलब किसी दूसरे क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं, यानी देखो वो क्या, फलना का बेटा ये कर लिया, वो कर लिया, ये सभी क्या करते हैं, वो खिंचाव करते रहते हैं, अपना नहीं किसी दूसरे का क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, शिकायत करते हैं। अब चलिए लेखक दर्शाते हैं, नौजवानों के बीच बातचीत शेक्सपियर, मिल्टन और स्पेंसर के बारे में होती है। दो जवानों के बीच, जैसे आप लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो किसकी बातचीत होती है, शेक्सपियर यानी मिल्टन स्पेंसर के बारे में बातचीत होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यानी यूरोप के लोगों में जो बात होती है सो यहाँ के लोगों में बातचीत नहीं होती है, यहाँ के लोगों में जमाने की शिकायत होती है, वहाँ के लोगों में क्या होता है, हुनर होता है बातचीत का। ठीक है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी के प्रति क्या करते हैं, भेदभाव, किसी का शिकायत कुछ नहीं करते हैं। यहाँ और वहाँ में दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है। वहाँ के आदमी को बोलने का तरीका और शैली सब कुछ आता है, वो क्या कर रहे हैं, लेखक प्रकट करना चाह रहे हैं।
तो चलिए आगे कहते हैं लेखक अपने निबंध में। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बात कर सकें, और बातचीत का सही उत्तम तरीका होता है। यानी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर की शक्ति को क्या करना चाहिए, पैदा करना चाहिए, जिससे बात करने का उत्तम तरीका होता है। कभी अंदर की शक्ति से बात किए हैं, जब अकेला होते होंगे तो आप लोग ज़रूर बात करते होंगे, लेकिन वो क्या होती है, आपकी सही उत्तम तरीका होता है। जो दिल से बात करता है, जो दिल से सोचता है, वो आपकी उत्तम तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के द्वारा ऊपर कही गई बात को सहज रूप से पुष्टि और प्रमाणित भी करता है। यानी कह रहा है लेखक के द्वारा जो भी बात कही गई है, ठीक है, जो भी पुष्टि की गई है, आज के समय उस चीज़ को क्या करता है, पुष्टि करता है। जो भी चीज़ आप लोग ऊपर में पढ़े हैं, वो सभी क्या करते हैं, आज के सहज में, आज के समय उस बातों को क्या करता है, पुष्टि करता और प्रमाणित भी करता है। जो भी बातचीत से रिलेटेड पढ़े, वो जमाने यानी आज के ज़माने में ये सब चीज़ होता है। ठीक है, तो चलिए बालकृष्ण भट्ट का कहानी कैसा लगा, आज का क्लास भी आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर क्लास का वीडियो सबसे पहले मिले। अगर किसी भी क्लास का अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन कीजिए, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, कम से कम इस वीडियो पे कम से कम 100 प्लस टारगेट का क्या रखते हैं, अचीवमेंट रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को फैलाइए जिससे क्या हो, चैनल पे अधिक से अधिक स्टूडेंट को क्या मिल सके, लाभ मिल सके। आप लोग को बताया गया था कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से हर एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जल्दी हम लोग क्लास 10th का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और अब से क्लास 10th का मैथ का भी क्लास होगा। ठीक है, 12th का भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग की डिमांड होगी मैथ का तो टीचर रख दिया जाएगा, तो टीचर वो क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। लेकिन 10th का मैथ भी क्या किया जाएगा, क्लास स्टार्ट किया जाएगा जल्द से जल्द, और 10th का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न की दृष्टि से। ठीक है, हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न की दृष्टि से पढ़ा दी जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे केमिस्ट्री की क्लास में।